वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल चाल? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान बताएं यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चौक यतीमखाना यहाँ मजदूरी के लिए आते हैं। अच्छा जी, मिलती है? कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। कितने दिन हो गए? तकरीबन 4-5 दिन से नहीं मिली। 4-5 दिन से नहीं मिली। तो घर का खर्चा वगैरह? बस अल्लाह ने जो वादा किया है रिज़्क देने का वो हमें मिल रहा है, हम खा रहे हैं। नहीं घर में बीवी बच्चे सब मौजूद होंगे? कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे करते? वो भी छोटे बच्चे। छोटे बच्चे हैं। तो घर में और भी कमाई का कुछ जरिया है कि बस आपने जो लेके जाना? यही मजदूरी का नजरिया। नहीं तो जब खाली हाथ घर जाते होंगे घर वाले तो वेट कर रहे होंगे कि बाबा आ रहे हैं हमारे लिए पैसे लेके, हम कुछ खाएंगे। किस तरह गुजारा करते हैं? इसी तरह गुजारा करते हैं। जो दोस्त इधर मजदूरी के लिए आते हैं कभी किसी से ले लिए कभी किसी से ले लिए, जब दिहाड़ी लगती है फिर इनको वापस कर देते हैं। तो बात तो फिर उधर ही आ गई, जब दिहाड़ी लगी वापस किए फिर खाली याद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल कितना आया? बिल मुझे आया 14,800 रुपया। इतना एसी चलाया? एसी नहीं चलाया, एक पंखा चलता है। एक पंखे का 14,000 जी, और वो भी 24 घंटों में से 12 घंटे चलता है क्योंकि 12 घंटे 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 करके लाइट नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। पर है 14,000? नहीं है, नहीं भरा है अभी, नहीं भर भी कैसे सकते जिस बंदे का गुजारा ही नहीं है। अभी सोच रहे हैं 14,800 रुपए आएंगे किधर से। 14,000 के साथ 800 भी है। अभी आप अंदाजा लगाएं कि एक बंदा जो सारा दिन यहाँ पे बैठा है मजदूरी हुनर होने के बावजूद, वो अपने लिए अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाने की यहाँ पे दिन रात कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आके सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 8 बजे कभी 7:30 बजे इधर पहुँच जाते हैं। 7, 7:30, 8 बजे इधर पहुँचते हैं और सारा दिन वेट करते हैं। यकीन करें यहाँ पे 100 नहीं हजारों की तादाद में मजदूर बैठे हैं। हमारे इसी तरह रोड पे आगे जाएं और भी बड़े मजदूर बैठे होते हैं। ठीक है, तो हुनर होने के बावजूद मजदूरी नहीं है। ठीक है, अब मजदूरी हो कैसे जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं? जो बंदा जो गुजारा कर रहा है कहता है यार गुजारा हो रहा है तो कर ही जाओ, यही सूरत हाल है। अच्छा आप भी भाई मजदूरी करते हैं? क्या काम करते हैं? काम मिस्त्री मगरी खरीदा जी। मिस्त्री के पीछे करते हैं। नाम क्या है? काम किया मजदूरी करी दी है जी। नहीं नाम क्या आपका? नाम अकरम। अकरम भाई किधर से हो? डबल सड़का। डबल सड़का पीछे किधर से? सैयद आरा। तो आप भी घर का कमाई का केला जरिया हो? बच्चे भी करते, बच्चे वाले छोटे हैं तो जो फैक्ट्री काम कर रहे हैं। अच्छा हाँ, घर का गुजारा हो जाता है यहाँ पे मजदूरी मिल जाती है। अल्लाह पाक निजाम चलाई जाता है, शुक्र है। कितने दिन से मजदूरी? मजदूरी पास लगी फबी है जी। अंदाजा लगाए नादरीन, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हजारों की तादाद में मजदूर बैठे हैं। आप एक दफा जिनके पास मेरी वीडियो जा रही है ना, वो सिर्फ मुलाहिजा फरमाइए कि जब आप घर में जाएं अच्छे खासे खाते, क्योंकि जो है ना वो खुशी गमी आने में टाइम नहीं लगता इंसान के। आज रूज पे कल सवाल पे आने पे टाइम नहीं लगता। आप सिर्फ खुद को मेजन इन भाई की जगह करके देखें कि जब सारा दिन आप काम पे जाए आपको मजदूरी ना मिले और घर में बच्चे वेट कर रहे हो कि हमारे बाबा आ रहे हैं हमारे लिए, वो पैसे लेके आ रहे हैं, हम उन घर आएंगे तो हम खाना खाएंगे, हम अच्छा खाना खाएंगे, हमारे लिए वो कुछ लेके आ रहे होंगे। ठीक है, और जब बाबा घर आते हैं तो यकीन करें किस मुंह से वो अपने बच्चों का सामना करते होंगे, किस मुंह से वो अपने बच्चों के सामने आते होंगे कि बेटा मैं आ गया हूँ। यकीन करो वही बाप जो सारा दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात 7-8 बजे तक रोड में बैठ के मजदूरी की जदोजहद में लगा होता है, जब रात घर जाता है ना तो अपने बच्चों से अपनी बीवी से छुप रहा होता है कि यार मैं इनको क्या जवाब दूं, मैं इनके लिए क्या लेके जाऊं। खुदारा पाकिस्तान के लिए आज नहीं अभी से सोचें, क्योंकि हमारे किसी हुक्मरान, हमारे किसी निगरान, हमारे किसी ने कुछ नहीं सोचना। अपने पेट पे हाथ फेरने के बजाय बल्ला आलम नहीं है मजदूरी कोई बात नहीं। खुदा के बंदो जब गुजरते हो, अल्लाह ने आपको दिया है ना, तो जब रोड से गुजर रहे हो तो इस तरह के मजदूर देखो ना तो जो हो सके इनके साथ मदद करो। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी सही कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यार आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। और एक छोटा सा मैसेज था आवाम के लिए, बड़ा छोटा सा मैसेज था, लेकिन समझने वालों के लिए ये इतना बड़ा मैसेज था कि वो अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, जो बंदा इस तकलीफ से गुजर के आज अल्लाह ने उसे नवाजा है ना, अगर वो मेरी वीडियो देखेगा ना तो उसको इस तकलीफ का अंदाजा जरूर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नए ऐसे मैसेज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।